देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी हुई थी और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा कैंडिडेट की भी घोषणा कर दी गई है। बता दें आपको कि सत्ता पक्ष के तरफ से जो है वो आदिवासी समाज से एक महिला को, हालांकि पूर्व में वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं, उनको एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं जिस तरीके से बात करें यूपीए की, तो उसके तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें आपको कि बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में बैठी, तो जनता दल यूनाइटेड का भी समर्थन जो है वो एनडीए को मिल चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब पहले से बात करें, तो वो जब महागठबंधन में थे तो उन्होंने एनडीए को समर्थन किया था, और एनडीए में थे तो उन्होंने महागठबंधन को समर्थन किया था। लेकिन इस बार किसको समर्थन करेंगे, हम बात करेंगे जो उपेंद्र कुशवाहा है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उनसे। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ बात करेंगे। सर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू बनाई गई है, जेडीयू का क्या स्टैंड होगा? देखिए, अब इतना अच्छा डिसीजन है आदिवासी समाज से और वो भी महिला, अब इस डिसीजन के साथ तो सब लोगों को होना चाहिए। हम लोग तो हैं ही, हम तो अपेक्षा करते हैं बाकी राजनीतिक दल के लोगों से कि सब लोग मिलकर इस निर्णय में साथ दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिस तरीके से पहले से बात करें, तो वो जब एनडीए में थे तो उन्होंने महागठबंधन का समर्थन किया था, और अब महागठबंधन में जब इस बार थे तो उन्होंने एनडीए का समर्थन किया था इस बार। देखिए, इसमें महागठबंधन और एनडीए का मामला नहीं है, इसमें देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति को चुनकर भेजना है। तो उस परिस्थिति में जो डिसीजन है, उस डिसीजन के साथ सब लोगों को होना चाहिए। इसके पहले जो डिसीजन था, हम एनडीए में थे कि महागठबंधन में थे, उस वक्त अलग विषय था, लेकिन क्योंकि दलित समाज से किसी व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति बनाया जा रहा था, इसलिए समर्थन। और आज जिस रूप में डिसीजन हुआ है, एक दलित समाज से महिला, तो इसलिए समर्थन। तो इसमें कोई एनडीए और पीए का मामला नहीं। वो रहने वाली हैं उड़ीसा की, लेकिन पहले से वो राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की, ऐसे में क्या लगता है कि जो हेमंत सोरेन हैं उनको भी समर्थन करना चाहिए? देखिए, अब उनको हम तो अपील सबसे कर रहे हैं कि सब लोगों को करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि डिसीजन उनको लेना है, और निश्चित रूप से उनका डिसीजन इस पक्ष में होगा, ऐसा मुझको व्यक्तिगत रूप से लगता है। अग्निपथ योजना को लेकर एक सवाल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर जेडीयू विरोध कर रही है तो खुल के विरोध क्यों नहीं करती? देखिए, हम विरोध करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं ना, वो कहीं अच्छा होगा तो हम लोग समर्थन करेंगे, कहीं भी खराब होगा तो विरोध करेंगे। अब सिर्फ विरोध करना है इसलिए विरोध में उतर जाइए, यह कोई मतलब थोड़े। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा। स्पष्ट रूप से एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है बिहार से कि द्रौपदी मुर्मू भी ही जो है वो राष्ट्रपति की जो चुनाव लड़ेंगी एनडीए के तरफ से, यानी कि भारत के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के तरफ से जो कैबिनेट के से जो चेहरा निकाल कर दिया गया, तो उसके ऊपर नीतीश कुमार का भी मुहर लग गया है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।